Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 8 SST chapter When People Reveal. Class 8 SST chapter When People Reveal 1857 and after. My dear student, it is very clear that we are going to discuss about the revolt 1857 and after what changes introduced in India. We will try to understand all the points. If you have remembered my previous class where I told you about the policies and the people. Sunday in my class I discussed the policies and the people. Policies and the people इस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से समाज का डिफरेंट ग्रुप्स इफेक्टेड हुआ था, प्रभावित हुआ था. लाइक आई टोल्ड यू एंड आई डिस्कस विथ यू दैट द किंग, राजास, नवाब, जमींदार, पीजेंट्स, वर्कर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, कॉमन मैन, सोल्जर्स, एवरीवन, दे वर अफेक्टेड द पॉलिसीज ऑफ द इंपीरियल रूलर्स. इन बातों पे हमने कल बात की थी. आज हम बात करेंगे आपके टॉपिक नवाब लूज देयर पावर. सेकेंड पॉइंट है नवाब लूज देयर पावर. ये सेकेंड पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप इन चीजों को देखें बुक में अपने आप, तो आपकी बुक में क्लियर मेंशन है. सभी के पास आई होप बुक होगी, एवरीवन हैव बुक. सो प्लीज सी, कहता है कि सिंस द मिड 18th सेंचुरी नवाब एंड राजास हैज बीन देयर, राजास हैड सीन देयर पावर इरोड. दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ऑनर. टू थिंग्स ड्यूरिंग व्हेन 19th सेंचुरी, 19वीं सदी तक आते आते कौन, राजा और नवाब, क्या हुआ इनकी अपनी अथॉरिटी, इनकी अपनी पावर क्या हुआ, ग्रेजुअली ये धीरे धीरे खत्म होने लगे. कहता है ऑथर आपको कि द मेनी रूलिंग, आई मीन टू से दैट कि सिंस मिड 18th सेंचुरी नवाब्स, 19th सेंचुरी तक तो क्लियर पूरा स्वरूप बदल गया, बट द चेंजेस केम स्पेशली मिड 18th सेंचुरी. यहां पे मैं आपको कंफ्यूज हूं इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं मिड 18th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी. अब यहां पे क्लियर है कि मिड 18th सेंचुरी से 19th सेंचुरी के बीच की जो परिस्थितियां थी भारतीय राजाओं और नवाबों की, वो बदल रही थी. राजा और नवाब अपनी परिस्थिति, अपनी जो हैसियत थी, उनकी जो स्थिति थी, दिन प्रतिदिन घट रही थी. डे बाय डे
they watched, they observed that their authority, their powers, that was captured or acquired by the British rulers. It is the finest example. If you will see, if you will read your book, then you will find that Awadh. What happened in Awadh? Let me explain, but one by one, step by step, we will discuss all the points. चलिए देखते हैं. कहता है, they had gradually lost their authority and honor. Residents had been stationed in the many courts. The freedom of the rulers reduced. Their armed forces disbanded, and their revenue and territories taken up by stage. अब देखिए क्या क्या इनके पावर्स में बदलाव हुआ. कहता है द रेजिडेंट्स रेजिडेंट्स दे वर अपॉइंटेड इन द लोकल रूलर्स रेजिडेंट्स रेजिडेंट्स दे वर अपॉइंटेड इन द लोकल रूलर्स कोर्ट. सेकेंड फर्स्ट ये है. सेकेंड क्या परिवर्तन हुआ, बदलाव. कहता है कि द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस फ्रीडम्स ऑफ रूलर्स रिड्यूस. थर्ड पॉइंट कहता है अब राजा जब रेजिडेंट कोर्ट में अपॉइंट होगा तो राजाओं के अधिकार अपने आप क्या होंगे, रिड्यूस्ड हो जाएंगे. देन आफ्टर देयर आर्म फोर्सेस डिसबैंडेड देयर आर्म फोर्सेस डिसबैंडेड आई होप ये क्लियर है. तीनों पॉइंट्स, राजा को अपने सेना को डिसबैंड करना पड़ा, कब करना पड़ा, हटाना पड़ा, और फिर क्या करता है, एंड देयर रेवेन्यूज एंड टेरिटरीज टेकन बाय स्टेज एंड देयर रेवेन्यूज. फोर्थ पॉइंट ले लीजिए, कहता है देयर रेवेन्यूज एंड टेरिटरीज their revenues and territories their revenues and territories क्या हुआ, दोनों taken away by stage. taken away by this stage. अब यहां पे कई सारे पॉइंट्स देखिए. इजी चीजें, अब एक एक वर्ड को देखिए. मैंने कहा नवाब लूज देयर पावर्स और राजा लूज देयर पावर, कैसे. पॉइंट वन, द मेनी रेजिडेंट्स रेजिडेंट्स आई होप यू हैव रिमेंबर द रेजिडेंट सिस्टम वॉज स्टार्टेड बाई लॉर्ड वेलेजली इन 1799. लॉर्ड वेलेजली ने एक सब्सिडरी अलायंस शुरू की थी और सब्सिडरी अलायंस में रेजिडेंट को अपॉइंट किया गया था. राजाओं के पास अब अपनी सुरक्षा का कोई भी दायित्व नहीं रह गया. सेना को उनको अब डिसबैंड कर देना था, सेना उनकी हटा देनी थी, और अब रेजिडेंट के अंडर में उनके राज्यों में सेना सिक्योरिटी का काम देखेगी. ऐसी व्यवस्था रेजिडेंट सब्सिडरी अलायंस में किया गया. जो भी राज्य ब्रिटिश एम्पायर के साथ सब्सिडरी अलायंस किए उन लोगों को इस तरह का कार्य, इस तरह के रेजिडेंट को अपने कोर्ट में अपॉइंट करना पड़ता था. एंड हाउ स्ट्रेंज दैट द रेजिडेंट एंड देयर एक्सपेंसेस पेड बाय द लोकल रूलर्स, बट द लोकल रूलर्स नॉट हैड पावर टू इंस्ट्रक्ट देम टू ऑर्डर देम. रेजिडेंट को ऑर्डर देने का अधिकार, उनको इंस्ट्रक्शन देने का अधिकार इन लोकल रूलर्स के पास नहीं था, लेकिन फिर भी लोकल रूलर्स इनके लिए जितना इनके एक्सपेंसेस होते थे वो लोकल रूलर्स को देना पड़ता था. आई होप यू रिमेंबर वेयर आई टोल्ड यू
where I taught you about the subsidiary alliance, and I explained that point. It was the cunning trick which was imposed by the Governor General Lord Wellesley on the local rulers, Nawabs of India, of Hindustan. हिंदुस्तान के राजाओं के ऊपर ही कानून थोप दिए गए। अब यहाँ पे मैंने दो चीजें एक साथ कर दी। फ्रीडम्स ऑफ रूलर रिड्यूस्ड, नो डाउट टू से दैट इफ यू हैव नो पावर देन योर पावर ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड। देयर एडमिनिस्ट्रेटर्स, देयर आर्म फोर्सेस डिस्बैंड ड्यू टू रेजिडेंस, आर्म फोर्सेस डिस्बैंड, लोकल रूलर्स हैव नो अथॉरिटी टू व्हाट हैव देयर ओन आर्मी according to subsidiary alliance, norms of subsidiary alliance, the king have no right to what? Kya karna? Ek apni army ka bhi rakhna. Phir third point, fourth point sabse important hai. Kehta hai ki their revenues and territories taken away by states. Unki jo revenue thi, unka jo wahan se raj se hone wali jo income thi, aur unki raj khud step by step, stage by stage, धीरे धीरे it was captured, it was possessed, it was acquired by the British Empire. That is the Britishers policy. ये थी Britishers की policy. उन लोगों ने इस आधार पर पूरा का पूरा system ही बदल डाला. My dear student, अब अगर एक एक point को देखिए तो मैंने कहा कि mid 18th to 19th century the Nawabs lose their power, Rajas lose their power, and their power reduced according to that state, the residential system that was launched by the Britishers, according to subsidiary alliance, the every local rulers, they had what? Who signed on subsidiary alliance? They had the one resident in their court, and if the resident appointed in the court, the freedom of rulers, it would be reduced already, and their armed forces disbanded, and then after the last stage, their revenues and territories taken away by the state. This is the main point. I hope you are getting what I am telling you. My dear student, आप इन चीजों को समझ गए होंगे। अब कहता है, अब आइए फिर देखते हैं क्या कहता है। कहता है, many ruling families tried to negotiate with the company to protect their interest. For example, Rani Lakshmibai of Jhansi wanted to company to recognize her adopted son as the heir to kingdom after the death of her husband. Nana Sahab, the second ruler, Nana Sahab, what want Nana Sahab wanted? Nana Sahab kya chahte the? Nana Sahab, the adopted son of Peshwa Bajirao II, Nana Sahab, he was also adopted son, was Bajirao II. He requested to British Empire, pleaded that he be given his father's pension. When the latter died, however, the company, confident of its the superiority and the military powers, turned down these pleas. My dear student, it is the very interesting matter. What interesting matter? That some local rulers like first Rani Lakshmibai, what she did? क्या किया उन्होंने? He negotiated with the princess that their son, adopted son, गंगाधर राव, क्या किया जाए? गंगाधर राव को अंग्रेज क्या करे? कहता है कि the लक्ष्मीबाई of झांसी wanted to company to recognize her adopted son as heir to the kingdom after the death of her husband. कि जो इनके सन है, एडॉप्टेड सन क्या की है? आफ्टर द डेथ ऑफ
That's right. Her husband. Conceited. As a what? Successor. अब यहां पर देखिए लक्ष्मी बाई का प्रयास. रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि जो उनका एडॉप्टेड सन गंगाधर राव है ये क्या करें, उनके पति की मृत्यु के बाद क्या हो जाए. कहता है कि वो उनके जो उनके उनके पति की मृत्यु के बाद उनके राज्य का उत्तराधिकारी मान लिया जाए. आई नीड टू से दैट रानी लक्ष्मीबाई वांटेड दैट कि आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड द हिज आई मीन टू से दैट हिज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द हस्बैंड एंड हर हर सन गंगाधर राव व्हाट कंसीडर्ड मान लिया जाए क्या कि वो उसका उत्तराधिकारी है, झांसी का अगला उत्तराधिकारी उनका एडॉप्टेड सन होगा. इवन आई होप यू हैव रिमेम्बर अबाउट दैट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, मैंने आपसे कहा था अगर आपको याद होगा ड्यूरिंग 1849 टू 1856 लॉर्ड डलहौजी लॉन्च दिस पॉलिसी. टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. 1849 टू 1856 डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, बेगपत का सिद्धांत, हड़प नीति, अंग्रेजों की हड़प नीति. अंग्रेजों ने इस हड़प नीति से बहुत सारे राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया. लॉर्ड डलहौजी ने बड़ी चतुराई के साथ एक नियम पारित किया और वो नियम था कि अब जिसके पास लीगल उत्तराधिकारी नहीं होगा उसका राज्य ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया जाएगा, ब्रिटिश एम्पायर में उसका राज्य मिला लिया जाएगा. तो रानी लक्ष्मीबाई का विवाह बाल विवाह हुआ था, चाइल्ड मैरिज हुई थी. रानी लक्ष्मीबाई किसी लिए कोई संतान नहीं थी, उनके पति की मृत्यु हो जाने के बाद उनका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने एक पुत्र हायर किया, एडॉप्ट किया. लेकिन अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कि हायर सन लीगल सक्सेसर नहीं मानते थे ब्रिटिशर्स, तो इसके आधार पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के रूल के तहत झांसी मर्ज हो जाता ब्रिटिश एम्पायर में. इसलिए रानी लक्ष्मीबाई बार बार अब ये निगोशिएट कर रही थी ब्रिटिशर्स से कि वो उनके राज्य को अंग्रेजों के अंग्रेज उनके राज्य को उनके हायर सन को अगला उत्तराधिकारी मान लें. I mean to say that he negotiated the Britishers that the Britishers considered his higher son as a next successor of the Jhansi. But Dalhousie denied. And that's reason Rani Lakshmibai involvement revolted in 57. The second step, Nana Sahab. What happened with Nana Sahab? What was the problem of Nana Sahab? Nana Sahab was also the adopted son of Bajirao II. Nana Sahab was also adopted son of Bajirao II. Nana Sahab pleaded that what he be given his father's pension. He be given his father's pension. कि उन्हें उनके father की pension दे दी जाए तो वो revolt नहीं करेंगे. But Britishers denied on the basis of that the Nana Sahab was not the actual successor of the Bajirao II, so that's why he had no authority to obtain his father's pension. So his father's pension was kya kiya gaya, banned kar di gayi, rok di gayi. To Nana Sahab bhi revolt mein involved ho gaye. Ab third point jo sabse important hai wo hai Awadh ka. Awadh, again I am saying the Awadh became the very important in revolt 1857. Awadh was the buffer zone for the Britishers. Awadh was the very fruitful and obedient for the Britishers. But what happened with Awadh? Awadh also auctioned, and the Nawab of Awadh he had to exile from Awadh to Bengal.
अवध से बंगाल भेज दिया गया. दिस वॉज द वेरी मिजरेबल कंडीशन फॉर बोथ नवाब एंड द कॉमन पीपुल्स. एवरी कॉमन पीपुल्स फेल्ट दैट इट वॉज द इंसल्ट ऑफ देयर नवाब. उनके नवाब का यह अपमान है. एवरी वन थिंक दैट कि इफ अवध लाइक स्टेट ऑक्सन देन वॉट हैपन्ड विद अस, हमारे साथ क्या होगा. अवध जो अंग्रेजों का इतना हेल्पफुल था, अगर अंग्रेजों ने उसको अपने राज्य में मिला लिया तो छोटे छोटे अन्य राज्यों का क्या होगा. आई होप यू हैव रिमेंबर दैट आई टोल्ड यू दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड वेयर आई इन्फॉर्म यू दैट द डिफरेंट स्टेट विच वॉज मर्ज्ड इन ब्रिटिश एम्पायर लाइक सतारा, जयपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, मचेड़ी, बूंदी, तमाम सारे राज्य. करौली एक ऐसा स्टेट था जिसे अंग्रेज अपने राज्य में मिला नहीं सके, जिसे अंग्रेजों ने मिला तो लिया था लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ऑर्डर के बाद करौली को छोड़ना पड़ा. तो ये सारी पॉलिसीज उन लोगों के ऊपर क्या थी, डाली गई थी. कहते हैं अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी अनेक्ट इन 801. अ सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज ऑन अवध एंड इन 1856 इट वॉज टेकन ओवर. गवर्नर जनरल डलहौजी डिक्लेयर्ड दैट द टेरिटरी वॉज बींग मिसकवर्ड एंड द ब्रिटिश रूल वॉज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन. हाउ स्ट्रेंज. Dalhousie declared that the territory was being miscovered. Dalhousie declared that the territory was misgoverned. Why I am telling this sentence again and again? Because, my dear student, I want to explain the cunningness of the British Empire. As you know that on the basis of subsidiary alliance, the one resident was appointed in the court of Nawab of Awadh. It is duty of resident that he laid out the whole administration. I mean to say that administration should be properly run. It is duty of the resident. But even if what Dalhousie claim, Dalhousie declared that the territory was being misgoverned and the British rule was needed to ensure proper administration. Dalhousie कह रहा है कि नवाब शासन करने में अयोग्य है, वहां पे शांति व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है, इसलिए अब जरूरत है कि अवध को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया जाए. अब आप समझ सकते हैं कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं. This is the cunningness. इसी को धूर्तता कहते हैं. ये अंग्रेजों की धूर्तता थी जिन्होंने अवध जैसे राज्य को भी नहीं छोड़ा. The company even began to plan how to bring their Mughal dynasty to an end. The name of the Mughal king was removed from the coins minted by the company in 1849. Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Jafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside in. In 1856, Governor General Canning decided that Bahadur Shah Jafar would be the last Mughal king and after his death, none of the descendants would be recognized as a king. They would just be called princes. Okay, the last fourth which was going to discuss the condition of Mughal emperor. Last Mughal emperor, that was Bahadur Shah Jafar. Here I want to declare to you that even Mughal emperor who lived in the guardianship of the British Empire during 1803, but here during 40 years the situation that has changed. Dalhousie decided that
the name of the king would not be on the Indian coins. Indian coins pe, भारतीय मुद्राओं पे मुगल सम्राट का नाम नहीं रहेगा. बिकॉज ही अनाउंस दैट इन द वन टेरिटरी वन एम्परर, इट मीन्स क्राउन इज ओनली वन एम्परर ऑफ द हिंदुस्तान. सो दैट्स वाई देर इज नो नीड टू मेंशन द नेम ऑफ द मुगल एम्परर ऑन द क्वाइन विच वॉज रनिंग इन मार्केट. Second point, which is very important, Lord Amherst. Lord Amherst denied that when emperor entered in court, I will not stand. मैं खड़ा नहीं हूंगा. And also, Auckland, that he banned the nazar and khilat, which was given by the Mughal emperor. Canning, Lord Canning declared that after the death of Bahadur Shah Zafar, no one successor of the Bahadur Shah Zafar would be called the Badshah and would be resides in Red Fort. Na wo Red Fort mein rahega, na use Badshah kaha jayega. It was directly insult of the Mughal Emperor. It was directly insult of the Mughal Emperor. My dear student, what I am telling you, that is the main things. Ye wahi cheez hai, isse Bharat ke logon ke man mein ek ऐसी छवि बनी, एक ऐसी बात उनके दिमाग में आई जो कहीं कहीं से अंग्रेजों की पूरी नीतियों के खिलाफ थी, अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रही थी. व्हाट आई एम टेलिंग यू, अगेन आई एम एक्सप्लेन यू, द कंपनी इवन बिगेन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एंड. द नेम ऑफ द मुगल किंग वॉज रिमूव फ्रॉम द क्वाइंस मिंटेड बाई कंपनी. In 1849, the Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be sifted out the Red Fort and given another place in Delhi. Resides in 1856, Governor General Canning decided that the Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king, and after his death, none of his descendant, none of his successor would be recognized as a king. They would just be called the princes. Badshah nahi kahe jayenge, ab log prince kahe jayenge. To is aadhar pe agar aap dekhen un cheezon ko, un points ko, to aapke samne kai sari baatein aane lagengi. Clear ho jayega. Pura view, pura scenario clear aapko dikhne lagega. Kya? Abhi humne baat ki. ये चार चीजों पे बात की हमने, उनके रोल पे बात किया. हमने रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट, इन लोगों के बारे में हमने बात की. किस तरीके से अंग्रेजों ने इन लोगों के साथ व्यवहार किया, या हम कहें दुर्व्यवहार किया, मिसबिहेव, और किस तरीके से इन लोगों ने इनके राज्य को इनसे हड़प लिया. दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स. अब इन चीजों को देखिए, हमने क्या कहा, हम लोगों ने आज कहा द पॉलिटिकल अनसेटिस्फैक्शन नवाब, इसको हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं पॉलिटिकल अनसेटिस्फैक्शन. पॉलिटिकल अनसेटिस्फैक्शन असंतोष, कौन कौन मैंने नाम लिया, कई लोगों का मैंने कहा कि पहला मैंने नाम लिया रानी लक्ष्मीबाई. रानी को आप क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्वीन
Lakshmi Bai. Thereafter, I had studied Nana Sahab. Thereafter, I discussed the Nawab of Awadh. And last, I told you Mughal Emperor. It is very clear. अब सबके नाम ले लीजिए. रानी लक्ष्मीबाई, झांसी, नाना साहब कानपुर, नवाब अवध फैजाबाद एंड मुगल सम्राट दिल्ली. नवाब सुजाउद्दौल, सो माय डियर स्टूडेंट, अब आपके सामने क्लियर व्यू आपके दिख रहा है. यहाँ पे हम लोगों ने बात की कि अनसेटिस्फेक्शन ऑफ द मुगल, अनसेटिस्फेक्शन ऑफ द नवाब, अनसेटिस्फेक्शन ऑफ द राजाज एंड अनसेटिस्फेक्शन ऑफ द डिजाल थिंग्स. इन लोगों के बारे में बात की हम लोगों ने और इसके आधार पे हम कह सकते हैं ओके. सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. आई होप यू आर गेटिंग. आज के लिए इतना ही. फिर मिलेंगे. गुड बाय एंड टेक केयर.